और यहाँ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी का इंतजार अभी भी जारी है, जहां आपको बता दें रविवार को बड़ी बैठक के बाद आलाकमान को यहां पर नाम भेजा गया है, जहां कभी भी अब उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस में नाम तय होने का दावा है, बस ऐलान बाकी है। तो अंतिम दौर की बैठक में नामों पर डिटेल से चर्चा हुई है। साथ ही बैठक के बाद यहां पर आकाश शर्मा को प्रत्याशी बनाए जाने की चर्चा जो है वो अब तेज हो चली है। प्रमोद दुबे के नाम पर भी अटकलें तेज हैं और अब बस दावा किया जा रहा है कि नाम तय हो चुका है, ऐलान बाकी है। तो दक्षिण का रण कहीं ना कहीं रोचक होता हुआ उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी का इंतजार अभी भी बरकरार है, सस्पेंस बरकरार है कि आखिर कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी कौन होगा। रविवार को बड़ी बैठक का आयोजन, जहां बालाकमान को नाम भेजा गया है और कभी भी उम्मीदवार का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस में कहना है कि नाम तय हुआ है, दावा किया जा रहा है, बस ऐलान बाकी है। खबरों पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिवम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अपडेट लेंगे। शिवम, यहां पर कांग्रेस का दावा कि नाम तय हो गया है और बस ऐलान बाकी है, जो बैठक हुई उसके बाद आलाकमान को नाम भेज दिए गए और कहीं ना कहीं अभी सस्पेंस जो है वो बरकरार है। जी बिल्कुल, देखिए रविवार को एक बड़ी बैठक हुई जहां पे तीनों सह सचिव प्रभारी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के आला कमान से पहुंचे हुए थे। दीपक बैज इस बैठक में शामिल हुए, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बैठक में शामिल हुए, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत इस बैठक में शामिल हुए थे और तमाम नामों को लेकर एक लिस्ट बनाई गई थी। जितने भी उम्मीदवार अभी तक सामने आए थे, लगभग 14 उम्मीदवार अपनी दावेदारी ठोक रहे थे कि दक्षिण विधानसभा सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। उन 14 नामों में से सिर्फ दो नाम पर अंतिम तक चर्चा हुई है, जिसमें प्रमोद दुबे जो पूर्व महापौर हैं और अभी फिलहाल में जो है वो सभापति हैं नगर निगम के, उनके नाम पर चर्चा हुई। दूसरा जो यूथ कांग्रेस के लीडर हैं छत्तीसगढ़ के, आकाश शर्मा, उनके नाम पर चर्चा हुई। हालांकि इस बैठक के पहले भी कई दौर बैठकों का चल चुका था जहां पे जो दावेदार हैं वो खुद उठ करके टिकट मांग रहे थे, जिसमें महापौर एजाज ढेबर शामिल थे, राजनांदगांव के कुछ लोग शामिल थे। इस चीज को लेकर पहले से ही कशमकश की स्थिति बनी हुई थी। रविवार को जब बैठक हुई तब दो नामों पर अंतिम में चर्चा हुई थी, जिसमें से आकाश शर्मा के लिए अभी भी एज बताया जा रहा है। कल पूरा दिन लिस्ट का इंतजार किया गया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में यह चर्चा रही। कुछ लोग तो जो आकाश शर्मा को वो बधाई भी देते हुए नजर आए कि टिकट लगभग उनकी तय हो चुकी है, उनको बधाई और उनके लिए तैयारियां करने का समय आ चुका है। तो इस चीज को लेकर भी प्रदेश में कशमकश कांग्रेस नेताओं के बीच में रही है कि आकाश शर्मा के अगर नाम लगभग तय हो चुके हैं तो आखिर कल पूरा दिन लिस्ट का इंतजार क्यों करना पड़ा। यह भी कशमकश बन चुका है, क्योंकि लास्ट में जब बैठक चल रही थी तो दो नामों पर सबसे ज्यादा गंभीर रूप से चर्चा हुई, दोनों ही जो प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई, प्रमोद दुबे और आकाश शर्मा, और इन दोनों के नाम में से किसी एक का नाम जो है वो सामने आ सकता है। हालांकि कांग्रेस यही दावा कर रही है कि जो लिस्ट है वो लगभग तैयार हो चुकी है, नाम पूरी तरीके से तय है, जिसको टिकट मिलनी है उसका नाम तय हो चुका है, आलाकमान ने उस नाम पर मुहर लगा दी, लेकिन अभी भी ऐलान का इंतजार किया जा रहा है कि आखिर दक्षिण विधानसभा सीट से उम्मीदवार कौन होगा। जो सुनील सोनी जो पूर्व सांसद हैं उनको चुनौती देता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जब तक सुनील सोनी प्रत्याशी घोषित नहीं हुए थे उससे पहले भी आकाश शर्मा को लेकर यही कहा जा रहा था कि वो इस बार चुनाव लड़ेंगे, उपचुनाव के लिए वही दावेदार हैं। लेकिन जैसे ही भाजपा ने सुनील सोनी को अपना प्रत्याशी बनाया उसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर से बैठकों का दौर चला, फिर से एक बार चर्चा की गई कि जब अनुभव सामने वाली पार्टी ने झोंका है तो क्या उन्हें भी अनुभव के साथ जाने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल यही चर्चाएं हैं प्रदेश में और कांग्रेस कमेटी में कि आकाश शर्मा की टिकट लगभग तय हो चुकी, किसी भी वक्त इस चीज का ऐलान किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, और अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के सुनील सोनी के सामने कांग्रेस किसको उतारती है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।